कितना सुंदर वन है। वन को बाद में निहारना अब तुम्हारा दाव है। तुम आंखें बंद करो और हम सब छुपेंगे। मैं आ रहा हूँ। उधो, पेड़ से उतर जा वरना बंदर ले जाएंगे तुझे। नहीं मिले। ओहो, देखो मुझे क्या काट खाया। आहा, पता नहीं कौन सा कीड़ा था, विष वाला था। हाँ? क्या हुआ रे काना, दिखा तो कहाँ काटा। काना, क्या हुआ? बलदाव, राधा, मैंने तुम्हें पकड़ लिया। ये ठीक नहीं है काना, तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि बलदाव, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। चलो ना, घर चलें। कन्हैया, मैं जानती हूँ ये तुम्हारी ही शरारत है। नहीं मैया, मैंने कुछ नहीं किया। चाहे तो बलदाव से पूछ लो। कान्हा, मुझे बीच में मत लाओ वरना मैं मैया को सब सच सच बता दूंगा। क्या बता दोगे? यही कि संतू काका की सारी बकरियों को तुमने खोला था और उन्हें गलत दिशा में चरने छोड़ दिया। कान्हा, मैं सब जानती हूँ, तुम इतने भोले ना बनो। बेचारा संतू पूरा दिन बकरियों के पीछे दौड़ता रहा उन्हें पकड़ने के लिए। जैसे आप मुझे ढूंढती हैं पकड़ने के लिए। अभी बताती हूँ तुम्हें तो। पकड़ना ज्यादा मुश्किल है या बकरियों को? मुझे क्या पता, बकरियों से पूछो। हे प्रभु, मेरे हंसते हुए कान्हा और बलराम को किसी की नजर ना लगे। बलदाव, जल्दी कीजिए, सब हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। द्वार पर खड़े होकर उधम मचा रहे हो, यहाँ आकर हमारी सहायता नहीं कर सकते? माँ, कान्हा छोटा होने का बहुत लाभ उठाता है। इसे सबसे अधिक लाड़ भी तो तुम ही करते हो बलराम। मैं तो ये देख रहा हूँ कि सारी व्यवस्था ठीक से हो रही है या नहीं। ये लो व्यवस्थापक जी, मैंने आपके लिए ढेर सारा माखन, खीर और छाछ रख दिया है। अब जल्दी चलिए बलदाऊ, नहीं तो हमारा वन विहार घर पर ही हो जाएगा। कमला, हिलो मत। क्या हुआ माधो? वो वहाँ ऊपर, तुम्हारे ऊपर उस वृक्ष पर एक विशाल सर्प है। सर्प? सर्प मेरे ऊपर नहीं, तुम्हारे पीछे है। सर्प, सर्प, बचाओ, thank you.
चलो धो, दौड़ खत्म करें। कितना खाती है फिर भी इन लड़कियों से दौड़ा नहीं जाता। चुप कर उधो, वो तो मेरा पैर मुड़ गया था इसीलिए। हाँ, इतना भारी बोझ होगा तो पैर बेचारे क्या करेंगे। अब तुम दोनों लड़ना बंद करोगे? पहले इसने शुरू किया बलदाऊ। नहीं, पहले इसने। पर अब बंद दोनों साथ में करोगे। नहीं जीतती। पर तुमने तो मेरा हृदय जीत लिया है राधे। हम लड़कों में कितनी ताकत होती है। तुम लड़कों में नहीं, सिर्फ हमारे दाऊ में ही इतनी ताकत है, समझे? तुम खुद पर इतना मत इतराओ। अरे तुम दोनों फिर शुरू हो गए, मुझे तो बहुत जोर की भूख लगी है। पहले खाने का प्रबंध करते हैं, फिर आपस में लड़ लेना। हाँ, भूख तो लगी है। रोज ऐसा खाना मिले तो क्या बात होगी। अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारी हालत उस खाना बनाने वाले मोटे जैसी होगी। अच्छा ये बात है, माधो राधा के होते हुए हम कृष्ण को कभी नहीं हरा सकते। हाँ, ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। कृष्ण को हराने से पहले तुम्हें राधा का सामना करना पड़ेगा। अच्छा, बड़ी आई कृष्ण की रक्षक, तो ले। कृष्ण को हराने के लिए राधा को हराना होगा, और राधा को हराने के लिए पहले कृष्ण को हराना होगा। ये तो एक पहेली हो गई, जिसे सुलझाना हम लोगों के बस में तो नहीं है। कान्हा, क्या तुम मुझे इसी तरह हमेशा संकटों से बचाते रहोगे? क्या तुम्हें लगता है कि मेरे होते हुए तुम पर कोई संकट आ सकता है? उधो, कान्हा को हराना है तो बलदाऊ से कहो कि वो गेंद मारे। हाँ, ये तुमने ठीक कहा। बलदाऊ, बलदाऊ, सुनिए। अरे, मूरख हैं ये दोनों तो, और नहीं तो क्या? बलदाऊ कभी कन्हैया का अहित नहीं करेंगे। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम लोग स्वयं क्यों नहीं गेंद मारते कृष्ण को?
मारे कैसे? वो तो हमारे हद ही नहीं चढ़ता। कोई युक्ति लगाओ और गेंद मार दो उसे। युक्ति? अरे हाँ। अरे कमला, मनिया, अमला सुनो, इधर आओ, इधर। हाँ यहाँ आओ। कान्हा, ये लोग कुछ योजना बना रहे हैं। तुम चिंता मत करो राधा। कान्हा, कान्हा, हम सोच रहे थे कि क्यों ना हम लोग दो टोलियाँ बना ले। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बताओ बताओ, मेरी टोली में कौन कौन होगा? कृष्ण, क्यों इन बच्चों के साथ ठिठोली कर रहे हो? बलदाव, मैं कहाँ कुछ कर रहा हूँ, मैं तो खेल रहा हूँ। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम कैसे खेल रहे हो,